न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो है सॉरी जिसमें डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है डी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसमें हमारा डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राइबोसोम्स जो हैं वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक डार्क स्टेन रीजन है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जहाँ पे राइबोसोम 37 साइड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन्स। रफ एंडोप्लाज्म के साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, उन राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या सिंथेसिस करते हैं? दिस इज द लिपिड्स। लिपिड्स हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करते हैं, और ये स्मूथ इसलिए होते हैं क्योंकि इनके सरफेस के साथ राइबोसोम्स जो हैं वो अटैच्ड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12 है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स के सांस लेने का अमल। स्टूडेंट देर इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड द ब्रेथिंग। ब्रेथिंग के जरिए से हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, उस ऑक्सीजन को यूज़ करके वो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ हमारी बॉडी में जो फूड होती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होती है, तो ग्लूकोज के साथ वो ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो उससे एटीपी एनर्जी बनती है। वो एटीपी एनर्जी जो कि हमारी सारी बॉडी सारे रिएक्शन सारे मेटाबॉलिजम्स में यूज़ करती है। सो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होकर मैट्रिक्स बनाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट फंक्शन परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसलिए होती है प्लांट्स में क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये ग्रीन ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि डीएनए मटेरियल कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें सब में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है सब में। न्यूक्लियस भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इन सब में जो है ना वो डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो रेप्लिकेट करते हैं और अपने जैसे नई ऑर्गेनेल्स चाहिए बना सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लेक्चर में ये नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपके साथ मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर हमारी क्लासेस लाइव हो रही होती तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे सुनने थे, लेकिन अब नहीं हो रही तो ये आपकी लक ही समझने के चले ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि मुझे आपसे इसलिए करवाने थे ताकि मुझे पता चलता कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो ठीक है तो